दोस्तों, घर से बाहर एविक्ट होने के बाद शार्दुल का एक पोस्ट जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो शार्दुल के इस ट्वीट से काफ़ी खुश हुए हैं। जी हाँ, शार्दुल ने अपने ट्वीट में कहा कि भले वो दिखे नहीं लेकिन वो महसूस हुए हैं, और बड़े रियलिटी शो में आकर सलमान खान ने उनकी तारीफ की है। तो उन्होंने वही कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शार्दुल नहीं बल्कि मैं मिरांडा बन गया हूँ, क्योंकि लोग अब मुझे जानने और पहचानने लगे हैं। वेल, उनकी इस पोस्ट से लोग जो है काफ़ी भावुक हुए, और उनका एविक्शन भी जो है कहीं ना कहीं लोग उसे अनफेयर कह रहे हैं, क्योंकि उनको नॉमिनेट करना ही गलत था जब सबको पता था कि वो घर में किस रीज़न से आए हैं। वो अपने माँ के इलाज के लिए करवाने आए थे, जिसके लिए अननेसरी जो पैनलिस्ट थे चारुल, अमित त्यागी और साथ ही में फराह खान, उन्होंने गलत डिसीजन लिया कि शार्दुल को नॉमिनेट किया। एंड सबको पता है जब रूबीना और शार्दुल खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली शार्दुल का एविक्शन होना ही है। बट अनफॉर्चुनेटली शार्दुल ने जो भी पल घर में गुजारे, जो बिताए, वो बहुत ही यादगार थे। और शार्दुल ने निकल कर भी जो है चैनल को थैंक्स कहा, बिग बॉस को थैंक्स कहा, और उन्होंने जो है एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा। आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या कहना है शार्दुल पंडित के एविक्शन के बारे में, और साथ ही में आपको क्या लगता है कि बिग बॉस कितना फेयर सीजन चल रहा है। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स इन द बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन।